Several passengers from Kokrajhar who were traveling in the ill-fated Northeast Express that derailed in Bihar on Thursday reached Kokrajhar railway station last night in a special relief train. Out of the total 24 passengers from Kokrajhar, 22 arrived at Kokrajhar, railways authorities informed. The passengers were provided with food and water, apart from medical assistance upon their arrival. स्पेशल ट्रेन में टोटल 22 पैसेंजर उतरा है यहाँ पर, तो उसको हम लोग ने यहाँ पर एक बोतल वाटर, बिस्कुट, चाय सबको पिलाया है। इवन गाड़ी का पैसेंजर को भी चाय पिलाया गया है, और एक छोटा बच्चा का दूध का डिमांड था, वो भी हम लोग ने S6 में पहुँचा दिया है। कोरा उतरने का हम लोग को मिला था 24 का लिस्ट मिला था, लेकिन उतरा है 22। शायद कुछ पैसेंजर टिकट कैंसिल कर दिया या उतर गया रास्ता में, तो टोटल 22 हम लोगों को मिला है। हाँ, मेडिकल के लिए हमारा एक मेडिकल टीम भी यहाँ पर है, स्टेशन में है, और कुछ जरूरत पड़ता हम लोग उसको भी मेडिकल सहायता करने के लिए रेडी थे। और हम लोग तो व्हीकल भी बंदोबस्त किए थे, अगर कोई व्हीकल नहीं, कोई नहीं जा पा रहा तो व्हीकल हम लोग अरेंजमेंट किए थे, लेकिन सबसे पूछा हमने, सब लोग बोले उनका ऑल अरेंजमेंट है, तो व्हीकल जरूरत नहीं पड़ा। हम लोग तो सुबह से मिला है मैसेज, हम लोग अलीपुर से आए, अलीपुर से आके यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं। Speaking to the media, some of the passengers shared their ordeal as they thanked the railway authorities for their help and assistance. रोगिनोतपुर गाड़ी घुस गया, छोटा से एक प्लेटफॉर्म है ना, वो प्लेटफॉर्म का अंदर इंजिल घुस के इंजिल आधा इंजिल मिट्टी के अंदर घुस गया, तब हमारा डब्बा रुक गया। हमारा S1 डब्बा और S2 से सारे डब्बा इधर उधर बिखर गया, कोई डब्बा इधर उधर एक लाइन में नहीं है। हमरा हम लोग बस बस गया ऊपर वाला। हम लोग कौन सा डब्बा में? S1 में। S1 का कुछ उलट पलट हुआ डब्बा? उलट पलट नहीं हुआ, एक तरफ खाली थोड़ा की हो गया, चक्का निकल गया, डब्बा आके प्लेटफॉर्म में रुक गया। हमारा डब्बा में आदमी सब सही सलामत था, हमारा पीछे का आदमी बहुत नुकसान हो गया। खाना खा के हम लोग सो रहे थे, तो मतलब सोने ही जा रहे थे, तो तभी अचानक से ट्रेन बहुत स्पीड में चल, मतलब बहुत ही स्पीड में, मतलब अजीब ही स्पीड में चल दिया था, मतलब ऐसा लगा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। पर थोड़ी देर में, एक दो मिनट में, फिर वो हमारा जो गोगी था वो आगे के साइड में खड़ा हो गया, तो बाकी जो मेरे, मैं B6 में थी, B7 पूरा पलट गया है, दो बार दो डेथ भी हुआ है उसमें। ट्रेन में बहुत हेल्प की है उन लोगों ने, बहुत सब कुछ का इंतजाम करवाया है। ज्यादातर तो अभी है, पर हाँ सुन रहे हैं कि डेथ हुआ है, पूरा हालत बहुत खराब थी वहाँ पे जब हुआ था, तब कुछ समझ नहीं, मैं तो अकेली थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किधर जाए। पहले पटना से ट्रेन भेजा गया, फिर हमको पटना शिफ्ट करके, फिर उसी स्टेशन में दूसरा ट्रेन खड़ा था, उसमें AC में हम लोग शिफ्ट होके, फिर पूरा एकदम सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना का सब, मेडिकल हेल्प सबको किया गया है। जब गांव में एक्सीडेंट हुआ था, उस गांव के लोगों ने भी बहुत हेल्प किया है, सब आए हैं पास में, बहुत बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने भी।